नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अपना जेटा एग्जाम हुआ था, उसके काउंसलिंग के फॉर्म ओपन हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों की कल से जब से ओपन हुए तब से क्यूरी आ रही है कि सर अपन फॉर्म कैसे भरें, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कॉलेजें भरें। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये आपका जो वीडियो है उसी टॉपिक पे बेस रहने वाला है कि आप जेट की काउंसलिंग किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गए, लेकिन जो आपका काउंसलिंग का फॉर्म है वो एक इस प्रकार का फॉर्म अगर आपने सही से नहीं भरा तो आप एक अच्छी कॉलेज में अच्छे नंबर लाने के बाद में भी अच्छी कॉलेज में पहुंचने से वंचित रह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कैसे जाते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन जैसे वो इमित्र से फॉर्म भरवाते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज के अंदर अपने को प्रायोरिटी फर्स्ट देनी चाहिए, सेकेंड देनी चाहिए, थर्ड देनी चाहिए, उनको पता नहीं रहता एक्चुअली में। तो बच जैसे कि सोचते हैं कि जैसे मैं पास का रहने वाला हूँ तो यहीं पास की कॉलेज भर देता हूँ। अच्छे नंबर लाने के बाद में भी क्या होता है, बच्चे पास में चले जाते हैं और जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि अरे यार मेरे तो इतने अच्छे नंबर थे फिर भी मैं इस कॉलेज के अंदर हूँ, अगर मैं उस टाइम काउंसलिंग सही कर से करवाया होता तो आज मैं अच्छी कॉलेज के अंदर होता। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपन ने बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो ट्वेल्थ क्लास अभी पास आउट हुए हैं, जेट का एग्जाम दिया है, या फिर आप खुद हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, इन सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास में लाभ पहुँच सके। शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने जो जेट ICER और जो BHU के नए बैच हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो जो बच्चा जल्दी से जल्दी जिनका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ वो अपने आप को एनरोल्ड करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर वो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर बना सके। तो वीडियो शुरू करते हैं अपन, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगाते हैं। तो ये जो अपना इस बार जेट का रिजल्ट है उसके अंदर आपको पता है कि अपनी जो कोचिंग का यहाँ से जो नीतू नाम की लड़की थी अपने अलवर से, उनकी फोर्थ रैंक आई थी, लखन डांगी की 10th रैंक थी और किरण की अपने 11th रैंक थी, जिनल की 12th रैंक, अर्जुन जनवा की 12th रैंक थी और हैतराम मीना है इनकी आपकी 15th रैंक थी। ये तो अपने जो रिजल्ट था इस बार टॉपर टॉपर है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, इसके पूरा अपन एक बाद में एक वीडियो बनाएंगे। आज का जो वीडियो है उसकी अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपको बहुत सारे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम आती है कि सर ऑप्शन फॉरम की शुरुआत कहाँ से करें, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जेट 2022 आप सबको पता है इस बार का जो एग्ज़ाम करवाया है वो आपके AU जोधपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया है। तो आपको सबसे पहले आपका जो नेट है, इंटरनेट है, जो आप अगर मोबाइल में चला रहे हो या लैपटॉप में चला रहे हो, उसमें आपको गूगल बार पे सर्च करना है जेट 2022। ये आप अगर सर्च करते हो उसके अंदर सर्च इंजन के अंदर तो आपके सबसे पहले यही आपके पास में ऑप्शन आएगा जेट 2022। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इधर आपको एक ऑप्शन आता है कैंडिडेट लॉगिन का। कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर अब जब आप ऑप्शन क्लिक करोगे उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं आपको सबसे पहले, उसके बाद में आपको आपके पासवर्ड डालने हैं और फिर अगर आप जेट की काउंसलिंग कर रहे हो तो जेट का ऑप्शन चूज करना है आपको। अगर आप प्री पीजी के लिए कर रहे हो तो प्री पीजी का, अगर आप PhD के लिए कर रहे हो तो आपको PhD का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक पजल दे रखी होगी, उस पजल को आपको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 4+3=7। जैसे आप ये करते हो अपना जो एंट्री वा फिल करते हो उसके बाद में आपको लॉगिन का आपके साइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर करते हो आपके सामने एक पेज खुलेगा और पेज के ऊपर आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे प्रिंट कार्ड, एडमिट कार्ड का प्रिंट है, OMR का डाउनलोड है, एप्लीकेशन फॉर्म देखना है, मार्कशीट देखना है। वहीं पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा फिल ऑप्शन फॉर्म। तो आपको इस फॉर्म के जो ये आपको ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में इस प्रकार का एक सर्च पेज खुल जाएगा जिसमें आएगा आपकी डिटेल आएगी। डिटेल के साथ में सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन आएगा आपको फीस पे करनी है। जो भी बच्चे हो, चाहे जेट के हो, प्री पीजी के हो, आप सभी को जो इस बार की आपके फॉर्म की फीस लग रही है वो आपकी 5,000 रुपये है। आपको 5,000 रुपये का एक ऑनलाइन आपको पे करने पड़ेंगे। ये 5,000 रुपये जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको वापस आपकी जो फीस है उसके अंदर आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो ये 5,000 रुपये जैसे आप इसके ऊपर ऑनलाइन पे करोगे तो आपको किसी भी तरीके से, चाहे आपके पास में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, फोन पे, आप किसी से भी 5,000 रुपये कट करवा दोगे, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा आप वापस बाहर आ जाओगे, लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। लॉग आउट होने के बाद में वापस आपको लॉगिन करना है। इस बार आप लॉगिन करोगे, वापस से आपको फिल ऑप्शन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास में अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपके पास में इस प्रकार का एक सर्च बार खुल जाएगा। इसके अंदर क्या पूछेंगे आपको, आपके जो 10th है और जो आपके 12th है इसके अंदर आपको कितने मार्क्स आए हैं आपको वो डिटेल सबमिट करना है।
जैसे आप ये सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद में आपको नेक्स्ट आपको 10th और 12th की आपको मार्कशीट है वो अपलोड करनी पड़ेगी, 10th की और 12th की दोनों की आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे आप मार्कशीट अपलोड करते हो, ध्यान रखिए जो मार्कशीट आप अपलोड कर रहे हो उनकी जो साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 300 KB से ज़्यादा हुई तो वो आपको सबमिशन नहीं करेगा, इसीलिए 300 KB की साइज़ के अंडर आपको सबमिट करना है। जैसे आप PDF भी हो सकता है या फिर आपका जो आपकी फ़ोटो है, दोनों में आप किसी भी फॉर्म में सबमिट कर सकते हो। जैसे आप सबमिट करोगे आपके पास में एक OTP आएगा, फिर क्या आएगा, OTP आएगा। आपको OTP जो डालना है, आप जैसे OTP डालोगे, OTP डालने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन आएगा गेट काउंसलिंग ऑप्शन कॉलेज, उस आपको ऑप्शन को क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कॉलेजों का दो टेबल बन जाएगी। देखो इस प्रकार से एक आपके पास में टेबल आएगी जिसमें आपको कॉलेजों के नाम होंगे, जैसे पहले पे आपको AU जोधपुर का नाम मिलेगा, इसके आगे लिखा हुआ नॉर्मल N का सिंबल होगा नॉर्मल, और यही वापिस कॉलेज नाम आएगी इसका पे आगे लिखा होगा P जिसका मतलब होगा पेमेंट के ऊपर, वैसे उसके बाद में आपके सुमेरपुर पाली के कॉलेज का होगा। इस प्रकार से आपको पूरे 200 आपके कॉलेजें मिलेगी। कॉलेजों को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके एक इस प्रकार इधर एक खाली आपको टेबल मिलेगी, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और इधर आपको लाके ड्रॉ करना है। तो इसी प्रकार से आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होती रहेगी। अब सब बच्चों को तो पता है कि कॉलेज आपके पास में 200 है, 200 कॉलेज हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये तक तो आपको कंप्यूटर खुद बता रहा था कि ये कीजिए ये कीजिए, यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इससे आगे, कौन कौन सी कॉलेज चूज करें। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो अपन ने जो आपको बता रहे हैं वो कॉलेज वो हमारे अकॉर्डिंग है, ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही भरो, लेकिन आपको हाँ इस वीडियो से सहायता मिलेगी कि मेरे को प्रेफरेंस कौन सी कॉलेज की देनी है। तो जैसे कि हम सबको पता है आपको सबसे पहले अपना जो कॉलेज है RC उदयपुर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपकी पहली चॉइस है RC उदयपुर। उदयपुर के बाद में अपन पहले सबसे पहले 5 यूनिवर्सिटियों को फिल करेंगे, उसके अंदर उदयपुर आ गया, बीकानेर वाली है, जोधपुर, जोबनेर, कोटा, ये आपकी मेन मेन 500 यूनिवर्सिटी हैं। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो बच्चे इमित्र से फॉर्म भरवाते हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, ध्यान से सुनिए क्या दिक्कत आती है। जैसे बहुत सारे केसेज आते हैं हमारे पास में कि जैसे आप बोल देते हो कि कोटा यूनिवर्सिटी है, अब उसको भी नहीं पता होता कि कोटा यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो वो क्या देखते हैं, जैसे भीलवाड़ा कॉलेज में सबसे एक केस आया था पिछली बार की, तो भीलवाड़ा कॉलेज है वहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है COA सुवाणा भीलवाड़ा कॉलेज, यहीं पे एक संगम यूनिवर्सिटी और है, तो बच्चे क्या होते हैं अच्छे नंबर आते हैं लेकिन जब ऑप्शन फॉर्म भरवाते हैं तो वो क्या करते हैं पास वाले इमित्र से भरवाने चले गए। तो उन्होंने बोला कि भैया आप क्या करना बेंगलोर सॉरी जो भीलवाड़ा वाली कॉलेज है वो डाल देना 6 नंबर पे। तो वो क्या करते हैं कभी कभार संगम यूनिवर्सिटी के आगे भी भीलवाड़ा में है और आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी भीलवाड़ा में, तो वो क्या करते हैं वो कॉलेज आपका चूज कर देते हैं। तो आपकी 6 नंबर पे कौन सी आ गई, संगम यूनिवर्सिटी, और आप किससे बच गए जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली थी, तो आप गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट में एडमिशन मिल जाता है आपको। तो इस प्रकार की जो सिली मिस्टेक होती है जिसका पता आपको बाद में चलता है कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की, उस मिस्टेक से बचने के लिए आपको ध्यान से कॉलेज का पहले नाम पढ़ना है कि जैसे उदयपुर तो RC राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों को बीकानेर का कन्फ्यूजन होता है कि सर बीकानेर का नाम तो SKNU बीकानेर है, लेकिन जो कॉलेज है वो आपको किस नाम से मिलेगी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से मिलेगी बीकानेर। फिर आपका आएगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, बीकानेर और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, ये आपकी 5 यूनिवर्सिटी हैं। इसके बाद में आप प्रेफरेंस दे सकते हो सबसे पहले भीलवाड़ा कॉलेज को, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, उसके बाद में आप भर सकते हो पाली की कॉलेज जो सुमेरपुर में है, उसके बाद में नागौर, भरतपुर, फतेहपुर सीकरी, सिक्कर, अलवर, कोटपुतली, जयपुर। देखिए अलवर में दो कॉलेज है, तो हमने यहाँ पे पहले जो प्रेफरेंस दी है वो नौगांव को दी है, उसके बाद में लालसोट, दौसा, उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर। आप इन कॉलेजों को चाहते हो कि सर हम फेरबदल करना चाहते हैं, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। इसके अलावा आपका एक कॉलेज है धौलपुर में, बसेड़ी धौलपुर, फिर एक और है किशनगढ़ आपका अलवर में है, और आपका झालावाड़ में जो कॉलेज है हॉर्टिकल्चर, जिसकी प्रिफ्रेंस हो कि सर मेरे को हॉर्टिकल्चर में BSc करनी है, तो आप इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो, हमारे अकॉर्डिंग हमने इसको आप 17 नंबर पर प्रिफ्रेंस दिया है। इसके अलावा आपका बायतू कॉलेज है, इसके अलावा आपका भुसावर के अंदर है, ये चंगोटी के अंदर है आपका, इसके बाद में आपकी जो कॉलेज है हनुमानगढ़ की जो कॉलेज है, हिंडोली में जो कॉलेज खुला था, झिलाई में खुला था,
मंडावा में खुला था, पीतमपुरी में खुला था, ये वो कॉलेजेज हैं जो पिछले साल खुली थी। अब जो मुंडावर से जो कॉलेजेस शुरू होगी ये वो कॉलेज हैं जो इस बार शुरू हुई है। तो देखिए आपको अगर लगता है कि नहीं सर मैं पहले पेमेंट भरना चाहता, पेमेंट भर सकते हो। हम पहले आपको पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट बता रहे हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज से आपको एफिलेटेड है, वो कॉलेजें देखिए। इस बार जो नई कॉलेजें खुली है उनके अंदर तिजारा है, पहाड़ी है, नगर है, भरतपुर में है, और ये आपके करौली के अंदर है, और ये जो है ये टाटोडा भीम के अंदर आपका एक कॉलेज खुला है, स्वयंमाधोपुर में है, उसके बाद में ये आपका कांदर में है, और महुआ के अंदर है ये आपका कॉलेज, ये सिकराई में कॉलेज है, चिड़ावा झुंझुनू में आपका कॉलेज है, केकड़ी में कॉलेज है, ये आपका डीडवाना वाला कॉलेज है, इसके बाद में नावा में नया कॉलेज खुला है, और शाहपुरा में कॉलेज है, ओसिया है, बाड़मेर है, गुढ़ामलाई है, ये सायला में कॉलेज खुला है, जैसलमेर पोखरण के अंदर भी इस बार से पहला जैसलमेर का कॉलेज है, पोखरण के अंदर वहाँ पर भी कॉलेज है आपका, नोर हनुमानगढ़ में है, हनुमान भादरा में कॉलेज खुला है आपका, प्रतापगढ़ में कॉलेज खुला है नया एग्रीकल्चर के, खेरवाड़ा उदयपुर में भी नया कॉलेज खुला है, बांसवाड़ा में कॉलेज है, और बस्सी चित्तौड़गढ़ में कॉलेज है, बारा में कॉलेज है आपका, बारा के बाद में अगर आपको देखते हो तो एक और शाहबाद बारा में कॉलेज है। ये जो कॉलेजेस है ये आपके कॉलेजेस थी गवर्नमेंट कॉलेज, ये अब आगे कॉलेज है, ये कंसल्टेड कॉलेज है, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आती है, जैसे आरएनटी कपासन है अपना स्वयंमाधोपुर के अंदर जो कॉलेज है, देखिए नाम पढ़ लीजिएगा, शहीद कैप्टन जो कोई नाम से कॉलेज है वो आपको फिल करना है, उनियारा टोंक के अंदर है, शाहपुरा का कॉलेज है, बांसवाड़ा का गुरु गोविंद पीजी कॉलेज है। इसके अलावा अगर आपको और भी प्रिफ्रेंस देना हो नॉर्मल सीटों के ऊपर तो आप फॉरेस्ट्री को भी दे सकते हो और फिशरीज को भी दे सकते हो। इसके बाद में आपकी कॉलेज शुरू होती है पेमेंट वाली। देखिए अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे अच्छे नंबर है लेकिन मेरे को नॉर्मल पे वो कॉलेज नहीं मिल रही है, जैसे मान लो किसी बच्चे को आरसीए कॉलेज चाहिए, और आरसीए कॉलेज जैसे आप सबको पता है टॉप 100 या 120 के अप्रोक्स के बच्चों को मिलती है, लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 150 रैंक के आसपास है लेकिन उनको आरसीए कॉलेज चाहिए, तो वो आरसीए कॉलेज को सेकेंड नंबर पर पेमेंट लगा सकता है। हमारे अकॉर्डिंग हमने ऐसा चूज किया कि जो नॉर्मल एक बच्चे को देखते हुए हमने एक कॉलेज चूज की है कि जो एक नॉर्मल परिवार से आता है, किसान परिवार से आता है, वो बच्चा इन कॉलेजों को किस प्रकार से फिलअप करे। तो जो अपने पहले अपने सब नॉर्मल किया है उसके बाद में अपन ने पेमेंट डाला है, अगर आपको लगता है कि सर नहीं मैं पेमेंट पहले फिल करना चाहूँगा तो आप इस सिक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो, वही वापस सिक्वेंस है जैसे आपकी पेमेंट के ऊपर जो ये आपकी कॉलेजें हैं उदयपुर वाली जो कॉलेज है इन सब का आपको पेमेंट के ऊपर लगाना है, बात बायतू वाली इन सब कॉलेजों का आप पेमेंट पे लगा सकते हो। तो आप वही वापस जो सीक्वेंस आप नॉर्मल की रखी थी वही आप वापस पेमेंट की सीक्वेंस रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज को चूज करना चाहते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे आप अगर दिक्कत आ रही है कॉलेज फिल करने के अंदर, तो आप जो ये नीचे नंबर चल रहे हैं इनके आप कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कभी भी निश्चित बेनिश्चिंत होकर आप कॉल कर सकते हो, ये नहीं है कि कॉल करें नहीं करें। देखिए ये मैं फिर भी बता देता हूँ, आप छोटी सी मिस्टेक करोगे तो आप बहुत बड़े आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, एक छोटी सी गलती आपको एक अच्छे कॉलेज से दूर रख सकती है। और लास्ट में जो बच्चे की सर कम नंबर आए हैं, देखिए आप अपने आपको जो पिछली बार की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी, देखिए काउंसलिंग करने का थोड़ा सा सिस्टम मैं बता देता हूँ आपको, काउंसलिंग आप जल्दीबाजी में बिल्कुल मत कीजिए, पहले पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, आपके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉलेजों की लिस्ट बनाइए, आप जहाँ से भी आप फिर जैसे हमारे कोचिंग के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कॉल कर दीजिएगा, आपको दोनों को मैच करनी है। कुछ बच्चों को होता है कि जैसे कि वो प्रिफर करते हैं कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही पढ़ूँ, तो वो भी अपने डाल सकता है एक नंबर पे। पहले पेपर लीजिए, पेज लीजिए, आपको लिख नोट डाउन कीजिए कि मेरे को कौन सी कॉलेज, मेरे कौन सी रैंक आई है, मेरे कितने नंबर है, मेरे कौन सी कॉलेज मिल सकती है, इस तरीके सुनिश्चित होके फिल कीजिए फॉर्म। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको उसका प्रिंट आउट लीजिए, प्रिंट आउट लेने के बाद में एक बार आप सुनिश्चित हो जाइए प्रिंट आउट में जो कॉलेजें डाली है वो क्या आपने सही सिक्वेंस में डाली है, सिक्वेंस में डाली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक बार फिर से अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो आप हमारे पास में आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप भेज सकते हो, कॉलेज में भरी हुई हम आपको बता देंगे कोई मिस्टेक हुई तो, पर कोशिश कीजिए कि इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस सदा आपके साथ में खड़ा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।